हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। और इसी का आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है को एफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन एंड इट्स SI यूनिट। ठीक है, तो को एफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो डायग्राम है। ठीक है, दो डायग्राम को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन को तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये क्या, ये एक कॉइल है। ठीक है, ये क्या, एक तार है। यहाँ पर एक वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर भी, यानी करंट को सेंसिटिव करने वाला वोल्टेज लगा हुआ, उसी तरह से यहाँ पर भी एक कॉइल है। ठीक है, यहाँ पर भी एक करंट को इंडिकेट करने वाला एक यंत्र लगा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर इसका नाम हम लोग पी दे देते हैं, मतलब प्राइमरी कॉइल। इसका नाम एस दे देते हैं, एस मतलब सेकेंडरी कॉइल। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इस कॉइल में, किस में, प्राइमरी कॉइल में क्या देंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। तो जब प्राइमरी कॉइल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, तब कुछ क्या होगा कि जब प्राइमरी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। समझ गए, इस जो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और इसमें क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। हम लोग करंट किस में फ्लो किए, हम लोग प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो किए, मैग्नेटिक फ्लक्स किसका चेंज हुआ, सेकेंडरी कॉइल का। तो इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। जबकि हम लोग सेल्फ इंडक्शन में पहले क्लास में क्या पढ़े थे कि हमारे पास एक ही कॉइल था, जब हमारे पास एक ही कॉइल था इस तरह का, ठीक है, इस तरह का एक ही कॉइल था, तब हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते थे और जो इसी में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता था और क्या होता था, इलेक्ट्रिक, एक और इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता था, वो भी प्राइमरी मेन जो करंट है उसका अपोजिट डायरेक्शन में आता था। ठीक है, वो जो IDAS यानी इंड्यूस EMF होता था, इंड्यूस EMF होता था, वो इसका मेन करंट का अपोजिट डायरेक्शन में आता था, जिसको हम लोग उस घटना को क्या कहते थे, सेल्फ इंडक्शन कहते थे। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्राइमरी कॉइल में करंट दे रहे और मैग्नेटिक फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल का। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, यहीं पर वही वाला लिखा हुआ कि वैन वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द प्राइमरी कॉइल, जब हम लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट को प्राइमरी कॉइल से पासेस करवाते हैं, ठीक है, तब मैग्नेटिक फ्लक्स किसका चेंज होता है, सेकेंडरी कॉइल का। ठीक है, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज चेंजेस। ठीक है, इज चेंजेस एंड एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तब EMF मतलब एक और करंट किस में बन रहा है, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर कुछ इसका, अब हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को समझते हैं। तो उसके लिए कुछ टर्म को हम लोग पहले लेट मान लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास जैसे मान लेते हैं, फिगर में ही आपको दिखाते हैं, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये जो कॉइल है प्राइमरी कॉइल, ये क्या है प्राइमरी कॉइल, ये क्या है सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के पास ये क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसका प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स को N1 मान लेते हैं। सेकेंडरी कॉइल में भी नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको N2 मान लेते हैं। प्राइमरी कॉइल में हम लोग क्या दिए, इलेक्ट्रिक करंट I दिए, तो इसका इलेक्ट्रिक करंट को I1 मान लिए। और इसका इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा बाद में, तो उसको I2 मान लेंगे। ठीक है, इसका I2 मान लेंगे। अब इसमें प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग ∅1 मान लिए, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को ∅2 मान लिए। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, इतना ही आपको लिखना है, यहाँ पर लेट मानना है उतना ही। ठीक है, यहीं पर वही सब लिखा है, देखिए आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखिए अब क्या लिखा है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स में सेकेंडरी कॉइल में चेंजेस होगा। ठीक है, यानी ∅ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन किसका ∅, ∅ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का होगा। किसमें हम लोग करंट दिए थे, प्राइमरी कॉइल में करंट दिए थे I1, मैग्नेटिक फ्लक्स किसका चेंज हुआ था, सेकेंडरी कॉइल का ∅2। तो ∅2 जितना, ∅2 कितना बनेगा, जितना I होगा, तो ∅2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ∅ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो इस तरह से ∅2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ∅2 को हम लोग लिख सकते हैं N2 I2 लिख सकते हैं। अभी बोलिए, हम लोग इसमें भी देख लेते, सेल्फ इंडक्शन में भी हमने देखा था। ठीक है, तो ∅2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 है तो N2 I2 लिख सकते हैं, और I1 को I1 ही रहने देते। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो बराबर देखिए एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग M मान लेते हैं। ठीक है, अब M को यदि हम लोग निकालेंगे तो M बराबर क्या हो जाएगा, N2 ∅2। ठीक है, और बटे में आ जाएगा I1। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, N2 ∅2 इजिक्वल टू MI1। ठीक है, तो यही वाला जो M निकला आपका M, इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि यदि मान लेते हैं, यदि हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यदि हम लोग I1 का वैल्यू को 1 मान लेते हैं, 1 एम्पियर। ठीक है, तब यहाँ पर M किसके बराबर हो जाएगा, M आपका बराबर हो जाएगा N2 ∅2 का। समझ रहे, कि यदि हम लोग करंट को 1 एम्पियर मान लें, यदि हम लोग प्राइमरी कॉइल में करंट कितना पास करवाएं, 1 एम्पियर,
वन एम्पियर, ठीक है। तब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा, तब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा आपका एन टू फाई टू, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तब यहाँ पर जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो देखिए इस तरह से एम बराबर एन टू फाई टू हो गया। तब अब हम लोग म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का डिफिनेशन क्या बन गया, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का, तब यहाँ पर डिफिनेशन बन जाता है कि व्हेन वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू प्राइमरी कॉइल। देखिए हम लोग प्राइमरी कॉइल में यानी आई वन का वैल्यू हम लोग माने थे वन एम्पियर, ठीक है। तो जब वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू प्राइमरी कॉइल, देन द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। तब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल में, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। यानी जब वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पासिस करवाएंगे प्राइमरी कॉइल में, देन द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इतना हम लोग डिफिनेशन जानिए, कैसे आया वो भी जानिए। अब हम लोग इसका देखते हैं एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो आपने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर पढ़ा था ना, वही इसमें भी होता है, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन है, ठीक है, तो दोनों का सेम ही होगा। तो देखिए हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग ई बराबर पढ़े, हम लोग अभी हम लोग जानते थे, हम लोग क्या जानते थे, हम लोग ईएमएफ बराबर पढ़े, एन डीफाई बाई डी टी हम लोग पढ़े, किसमें पढ़े थे, हम लोग फेराडे नियम में भी पढ़े थे, लेंज लॉ में भी यहाँ पर माइनस आता था, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल फेराडे का नियम से मैग्नीट्यूड वाला टू देख रहे हैं, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा, डी को बाहर निकाल देते हैं ताकि हमको जोड़ा मिल जाए, एक जोड़ा डीफाई मिल जाए, एन फाई मिल जाए। तो एन फाई अभी हम लोग क्या देखें, एन फाई बराबर होता है आई वन, आई वन तो यहाँ पर ये कर देंगे तो, ठीक है, क्योंकि देखिए ऊपर में अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बोले थे ना कि ये वाला याद करिए, अभी ये वाला देखिए, ठीक है, एम आई वन एन टू फाई टू बराबर एम आई वन। तो देखिए यहाँ पर एन टू फाई टू की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, एम आई वन लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए एम आई वन हो गया, तो हमको एम चाहिए, तो एम, तो एम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको उधर, बराबर डी आई वन हो गया। अब देखिए यहाँ से इसका एसआई यूनिट निकलता है, ये क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका वोल्ट हो जाएगा, टाइम सेकंड हो जाएगा, करंट एम्पियर हो जाएगा। तो देखिए इस म्यूचुअल इंडक्शन का भी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, जिसका एक और नाम क्या है, हेनरी, आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला आप थोड़ा सा देख लीजिए, डायमेंशन फार्मूला उसमें भी यही होता था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन ए माइनस टू, ठीक है, इसमें भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू होता है, ठीक है, तो दोनों का सेम है, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें झंझट नहीं रखना है, केवल आपको डिफिनेशन याद रखना है कि करंट हम लोग पास करवाएंगे प्राइमरी कॉइल में, मैग्नेटिक फ्लक्स में किस में चेंज होगा, सेकेंडरी कॉइल में, बस यही आपको याद रखना है। तो बस ये वाला वीडियो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।